हाँ फिर मैं आ गए। अब आ गए सर। भाई कल पढ़ा हमने क्या था? कल हमने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना। साथ ही साथ हमने तारों के निर्माण को भी पढ़ा था, कैसे तारों का निर्माण हुआ। हमने ये पढ़ा था आकाशगंगा जो है यार आंटी, आवाज नहीं आ रही अपने क्या? मंदिर कहीं और पहुंचाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही क्या? अपना ऑडियो म्यूट कीजिए, बार बार केड़ा नहीं पड़े। चंचल चंचल देखिए, तारों के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा कि लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के, सॉरी ब्रह्मांड के जो पदार्थ थे उनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, संयोजन हुआ, उनके अंदर आपस में वो टकराए, टकराने से उनमें उत्पन्न जो गैसेज है जिनमें हाइड्रोजन हीलियम है, दो प्रकार की मुख्य गैसेज, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्शन हुआ, हीलियम में बदलाव हुआ, फलस्वरूप तारे बने और यह तारे आकाशगंगा की मुख्य भाग है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी एक तारा है और हमारी आकाशगंगा का एक महत्वपूर्ण जो सदस्य है, सौरमंडल का मुखिया है कौन? सूर्य। इसके अलावा हमने जाना कि जो हमारी आकाशगंगा है उसमें, यानी जितनी भी आकाशगंगा है उनमें लगभग एक आकाशगंगा में तारे 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं, और ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगाएं हैं, उनकी आकृति और उनकी जो उनके विस्तार की बात करें तो सबका अलग अलग है, आकृति भी अलग है और विस्तार भी अलग अलग है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि हमने तारों के निर्माण को तो जान लिया, लास्ट में हम पढ़ रहे थे भाई लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो बेटा बताइए, निखिल देखे बताना बेटा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। हाँ, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, और सूर्य का प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है, ये दिव्या भट्ट बेटा बताइए। सूर्य का प्रकाश जो है एक वर्ष में 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर। कितनी बेटा? ये दिव्या से पूछ रहा, सागर सागर जुड़ा हुआ है बेटा। जो एक प्रकाश वर्ष है उसका मात्रक क्या है, लाइट ईयर का मात्रक क्या है? सागर गुजर, कल पढ़ा था हमने कनिका, कनिका प्रिया कवर, कोई भी एक आंसर दीजिए। जो हमारे प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, कल हमने पढ़ा था बेटा 9.461 किलोमीटर इंटू 10 की घात 12, हाँ किलोमीटर, 10 की घात क्या है, 10 की पावर है 12 किलोमीटर, क्या है आपके मात्रक है, किसका? एक लाइट ईयर का। और बताते हैं कि आकाशगंगा है उसका, जैसे हमारी आकाशगंगा है या कोई भी आकाशगंगा है, उसका व्यास 50,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर तक हो सकता है, मतलब काफी विस्तृत होती है आकाशगंगाएं, काफी बड़ी होती है। इसके बाद हमने ग्रहों के निर्माण की क्रिया कंप्लीट कर ली है, ग्रह कैसे बने हैं, कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा, चंद्रमा की उत्पत्ति।
फैक्ट नहीं बेटा, ये सारी परिकल्पनाएं हैं, और ये परिकल्पना है वो कुछ आधारों के आधार पर प्रस्तुत की गई। चंद्रमा क्या है पहले तो बताइए, चंद्रमा क्या है? कोई भी पृथ्वी का उपग्रह। हाँ, पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, क्या? चंद्रमा। हम बात करें चंद्रमा की उत्पत्ति से जुड़े हुए दो सिद्धांत आपके सामने हैं बेटा। एक तो सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत है, एक सिद्धांत है द बिग स्पेल्ट। द बिग स्पेल्ट एक तो कौन सा बेटा? डार्विन का सिद्धांत है, और एक कौन सा है? द बिग स्पेल्ट। ये दो सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। डार्विन का सिद्धांत क्या था? जैसे हमने एक ज्वारीय परिकल्पना पढ़ी थी, कौन सी परिकल्पना बेटा? ज्वारीय परिकल्पना। कोई स्टूडेंट बताएगा ज्वारीय परिकल्पना किन विद्वानों ने प्रस्तुत की? कोई भी? ये किरोड़ी मीना, बताइए बेटा ज्वारीय परिकल्पना किन विद्वानों ने प्रस्तुत की? ज्वारीय परिकल्पना देने वाले विद्वान कौन थे? ज्वारीय परिकल्पना देने वाले विद्वान कौन थे? अरे हमने कल ही तो पढ़ी है ज्वारीय परिकल्पना देने वाले कौन थे? हाँ, जेम्स जीन व जेफ्रीज। इन्होंने कहा था कि सूर्य एक तारा है, साथी तारा जैसे ही पास आया तो सूर्य से क्या निकला बेटा? एक फिलामेंट्स निकला। क्या निकला? फिलामेंट्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ज्वार कह सकते हैं। जिसे हम क्या कह सकते हैं? ज्वार कह सकते हैं। ये ज्वार निकल गए और साथी तारे की ओर जाने लगा। किसकी ओर जाने लगा? साथी तारे की ओर जाने लगा। और ये ज्वार जो निकला उसी से किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। ये परिकल्पना किसने दी थी? आपके जेम्स जीन और जेफ्रीज ने। इन्होंने कहा था सूर्य कौन सी अवस्था में था? गैसीय अवस्था में। और ये जो भाग इसको आकर्षित कर रहा है तो उस गैसीय अवस्था से एक फिलामेंट्स क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा भाई, ये जिराफ की गर्दन के बारे में, पुनरुद्भवन के बारे में। ये सिद्धांत कौन सा था भाई? डार्विन का सिद्धांत ही था। ठीक है, डार्विन ने कहा कि पृथ्वी गैसीय थी जब उसका निर्माण हुआ, और पृथ्वी जब अपने रूप में आ रही थी, चक्कर लगा रही थी, अपने रूप में आ रही थी, उसी समय एक भाग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ? एक भाग इस पृथ्वी का बाहर की ओर निकला, यानी इसमें उबार आया। इस भाग में क्या है? उबार आया। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती गई तो ये भाग धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? ये उबार बाहर होता गया, और लास्ट में अपकेंद्रीय बल के रूप में जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन हुआ तो ये भाग पृथ्वी के भाग से टूटकर बाहर की ओर निकल गया। तो इस प्रकार से किसकी उत्पत्ति हुई है? आपके चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। डार्विन ने 1838 में सिद्धांत दिया, और डार्विन के सिद्धांत के आधार पर यह है कि पृथ्वी है वो जैसे ही निर्मित हो रही थी, 4.6 अरब वर्ष पहले निर्मित हुई, और निर्मित होने के साथ साथ पृथ्वी के एक भाग में क्या था? उबार था, और यह है उबार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ था। और यह है जो उबार पृथ्वी के घूर्णन में था, धीरे धीरे ये उबार है वो एक नए पिंड के रूप में बाहर की ओर निकल गया। और किसका निर्माण हुआ? चंद्रमा का निर्माण हुआ। कब हुआ? आज से 4.4 अरब वर्ष पूर्व। आज से 4.4 अरब वर्ष पूर्व। 4.6 अरब वर्ष पूर्व तो क्या बनी थी बेटा? 4.6 अरब वर्ष पूर्व तो क्या बनी थी? आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और 4.4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? आपके चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये डेटे हैं जो यहाँ पे समझा रहे हैं, उसको आप रफ में नोट डाउन कर लिया करो, जिससे कभी भी कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप उसको तुरंत देख सको, उसको याद कर सको। शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना,
भाई छोटे छोटे आप पढ़ रहे हो और पढ़ने में जो इम्पोर्टेंट बिंदु है आप उसको लिखते जा रहे हो, जिंदगी में चीज काम आएगी। शॉर्ट नोट जरूर बनाने चाहिए, कभी भी आप रीडिंग करो, कभी भी आप देखो पिछले अपने बिंदुओं को रिवाइज करो, तो हमें शॉर्ट नोट्स बहुत ही सहायता करते हैं। तो डार्विन का सिद्धांत समझ में आया क्या? यस या नो? भाई जवाब दे दिया करो, यस या नो? आ गया समझ में? यस सर। यानी पृथ्वी हमारी थी, पृथ्वी से किसका निर्माण हुआ है? चंद्रमा का। पृथ्वी के निर्माण के बाद किसका निर्माण हुआ है? चंद्रमा का। और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार डार्विन ने कहा भाई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिया, प्रमाण दिया कि चंद्रमा कहाँ से निकला, तो इन सब के प्रमाण एक ही है, ध्यान रखना कि चंद्रमा का निर्माण हुआ प्रशांत महासागर से। इससे वही प्रशांत महासागर से। और कहा गया कि प्रशांत महासागर में 11,034 मीटर गहरा एक गर्त है, एक गड्ढा है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त है भाई? मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में 11,034 मीटर गहरा एक गर्त है। कौन सा गर्त है बेटा? कौन सा गर्त है? अरे गर्त का नाम मेरियाना गर्त। मेरियाना, ये मेरियाना गर्त है। यह भाग, ये गड्ढा हुआ है, ये चंद्रमा है, इसी भाग से टूटकर बाहर बना है। और पूछ भी ले आपसे कोई प्रश्न कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है बेटा? मेरियाना गर्त। कौन सा है? सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। समझ में आ गई? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। अब आपकी दूसरी परिकल्पना आती है बेटा द बिग स्पेल्ट। द बिग स्पेल्ट में क्या कहा गया कि ये हमारी पृथ्वी थी, ये हमारी पृथ्वी थी, गैसीय तप्त, धीरे धीरे ठंडे होने के कगार पे चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, हमारी पृथ्वी के ऊपर मंगल से भी एक बड़ा पिंड है, वो इस पृथ्वी के परिपथ में आया। जैसे सूर्य के परिपथ में तारा आया था ना, लेकिन ये मानो कि सूर्य के परिपथ में आया फिर उससे टकराया नहीं, वो सूर्य के परिपथ में आगे भी नहीं टकराया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ कि ये तारा आया और आकर के यह पिंड पृथ्वी के भाग से क्या हुआ, टकराया, पृथ्वी के भाग से टकराया। ये पिंड पृथ्वी के भाग से टकराया तो पृथ्वी के भाग से एक खंड, एक या एक पिंड या एक खंड टूट करके और क्या हुआ, अलग हो गया। एक पिंड टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया। और जो पिंड टूट के अलग हुआ वो क्या बना, वो बना आपका चंद्रमा। क्या बना? चंद्रमा। बताओ समझ में आई बात? बात समझ में आ गई क्या? देखो, yes, देखो क्या था कि पृथ्वी हमारी थी, ब्रह्मांड में घूमता हुआ एस्ट्रॉइड। अभी थोड़े दिन पहले भी एक अफवाह उड़ी थी, अफवाह क्या वास्तव में था कि एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रहा है। अगर वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर के, अगर वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर के और पृथ्वी के, पृथ्वी से टकरा जाता तो पृथ्वी के तापमान में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता, जैसा इसमें मिला था, जैसा इसमें मिला था। देखो जैसे ही टकराया तो पृथ्वी पुनः विखंडित, जैसे क्या संयोजित होने लगी थी, लेकिन पुनः क्या हुआ, पृथ्वी के भाग में एक अजीब क्या हुआ, टकराव से एक भाग है टूटा, एक अजीब घटना उत्पन्न हुई, एक भाग क्या हुआ टूटा और टूट करके इससे अलग हो गया। इसने भी प्रमाण ये दिया ये क्या है, मेरियाना गर्त का ही भाग है। कौन? चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। बताओ समझ में आई कि नहीं? अभी क्या, पृथ्वी के निर्माण के बाद, पृथ्वी के निर्माण के बाद किसका निर्माण हुआ है? चंद्रमा का। चंद्रमा के निर्माण के लिए कितनी, एक डार्विन सिद्धांत 1838 में आया, फिर आपके द बिग स्पेल्ट सिद्धांत जिसमें चंद्रमा का निर्माण टकराने से हुआ,
डार्विन में चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन से ही, एक जो पदार्थ है वो जो बाहर की तरफ था उस पदार्थ के बाहर टूटने से हुआ, दोनों आपस में। ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछ ले, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई भाई? तो चार पॉइंट सर, द बिग स्प्रेड सिद्धांत कब आया? क्या द बिग स्प्रेड का सिद्धांत बाद में आया, इसकी डेटा है वो कंफर्म नहीं है बेटा। द बिग स्प्रेड जो सिद्धांत है उसकी डेटा है वो कंफर्म नहीं है, क्यों? डार्विन ने स्वयं ने दिया सिद्धांत, तो ये सिद्धांत था वो एक निश्चित समय का सिद्धांत था, इसलिए इसकी डेटा क्या है कंफर्म है, लेकिन उसकी नहीं है, द बिग स्प्रेड की। ठीक है, इसमें तो वैसे बताया गया कि अपने एक से तीन गुना या तीन लगभग मंगल है उसके लगभग जो पिंड है वो आके टकराया, और टकराने से क्या हुआ, उसके टकराने से एक भाग पिंड या एक भाग या पिंड टूट करके अलग हो गया, और किसका निर्माण हुआ बेटा? चंद्रमा का निर्माण हुआ। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब आपको बताया कि हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी है। और हमारी आकाश गंगा जो है उसका व्यास, जिसकी बात करें व्यास तो जानते हो, कल बताया था, वो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष, कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ये लिख लो, हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है, इस मंदाकिनी का जो व्यास है वो कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। और एक प्रश्न और देख लो, कॉमन ही बात है, एक नाम है एड्रोमेटा। एड्रोमेटा, एड्रोमेटा क्या है? एड्रोमेटा आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी से सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक, मंदाकिनी से सबसे नजदीक वो कौन सी आकाश गंगा है भाई? एड्रोमेटा। लिख लीजिए कौन सी भाई? एड्रोमेटा। कितना? 2.2 मिलियन, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है हमारे से दूर। कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। हमारी आकाशगंगा का व्यास कितना है बेटा? हमारी का है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब अगला बिंदु आपकी बुक में जो है वो बेटा सौर मंडल का है। सौर मंडल, आज हम सौर मंडल की सामान्य बात जान लेते हैं, फिर कल एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अपनी जो बुक है उस बुक में सौर मंडल है, उसको आपकी बुक में है, पूरा नहीं समझा रखा है, लेकिन हम पूरा एक एक ग्रह पढ़ेंगे। एक चीज मैंने कल बता दी थी बेटा, तारा जब फूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट। तारा कब फूटता है? जब तारे में हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन का हीलियम में कंजर्वेशन होता रहता है, और कहाँ तक पहुंच जाता है? केंद्र तक, और लास्ट में तारा क्या है? टूट जाता है। हम बात कर रहे हैं सौर मंडल, ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, एक सौर परिवार क्या है? कई बार ऐसे शब्द पूछ लेता है, फिर हम क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्या पूछ रहा है। सोलर सिस्टम भी यही है, सौर परिवार भी यही है, सौर मंडल भी यही है, तीनों चीजें एक ही है। अब सौर मंडल है, उसका मुखिया कौन है? सौर मंडल का मुखिया है बेटा आपका सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य,
सूर्य से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देखेंगे। सूर्य जो है वो एक तारा है। कई बार पूछ लेते हैं भाई सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है जिसका व्यास है, आप नोट डाउन करते जाओ बेटा ये चीज, इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। कितना है? जिसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का 12,714 भूमध्य रेखीय 12,756। तो यह जो व्यास है वो पृथ्वी से, अब पृथ्वी के व्यास का हम भाग देंगे तो समझ में आ जाएगा कितना बड़ा है, ठीक है। और जो हमारे सूर्य है, सूर्य के आयतन की बात करें तो सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13,00,000 गुना ज्यादा है। 13,00,000 गुना ज्यादा आयतन, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13,00,000 गुना ज्यादा है। कितना भाई? 13,00,000 गुना ज्यादा है। इसके अलावा द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से 3,32,00 गुना ज्यादा है। द्रव्यमान 3,32,000 गुना अधिक। क्या द्रव्यमान? नोट डाउन करते रहे भाई, आगे भी काम में आने वाली चीजें हैं। 13,92,000 किलोमीटर तो क्या है इसका व्यास है सूर्य का, 13,00,000 गुना ज्यादा आयतन है, 3,32,000 गुना ज्यादा क्या है पृथ्वी से द्रव्यमान है। इससे भाई दोनों, ये दोनों पृथ्वी से ज्यादा है, पृथ्वी से ज्यादा। और बात करें कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो गैसों में हमने पहले ही बात की थी, गैसें हैं उनमें एक तो बेटा हाइड्रोजन है और एक है कौन सी, हीलियम। दो ही प्रकार की गैस है सूर्य में, तभी तो सूर्य क्या है, तप्त है। पहले की बात करें हम तो पहले हमारे पृथ्वी पर भी ये गैसें थी, लेकिन पूरा पढ़ेंगे सौर पवनों के कारण इन गैसों के आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। अब हीलियम तो, हाइड्रोजन तो है 71% और हीलियम है 26.5% और बाकी अन्य गैसें हैं जो सामान्यतः सब ग्रहों पे आपको मिलती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ही गैसें आपकी सूर्य में पाई जाती हैं। अब सूर्य के ताप की बात करें, सूर्य के ताप भाई आपने देखा है सूर्य तो क्या है, आग का गोला है। क्या है? आग का गोला है। तो सूर्य के ताप की बात करें तो सूर्य की सतह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य की सतह है, ध्यान देना इधर, ये सूर्य है, इस सूर्य की सतह है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। इसका ताप है लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोस्फीयर का ताप कितना है बेटा? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य का जो केंद्र है, सूर्य का क्या है, केंद्र, इस केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर का भाग का ताप है कितना आपके? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का वह भाग आप देखना, कभी भी देखना सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य की ये रिंग दिखती है। क्या दिखती है? रिंग दिखती है। इस रिंग को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं रिंग को? बोलते हैं बेटा कोरोना। जो ये कोरोना है, इस कोरोना का जो भाग है ये सूर्य की क्या है, रिंग है। अब सूर्य की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य वो लगभग 25.38 दिन में भूमध्य रेखा के अनुसार, और देखें ध्रुवों के अनुसार देखें तो लगभग 33 दिन, एवरेज देखें तो लगभग 30-35 दिन में सूर्य क्या करता है, अपने अक्ष पे घूर्णन कर देता है। कितने दिनों में? 30-35 दिनों में सूर्य है वो अपने अक्ष पे क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है। लगभग 30-35 दिन में एवरेज देखें तो लगभग 33 दिन में सूर्य क्या है, अपने अक्ष पर घूर्णन
कर लेता है। और इसके साथ साथ सूर्य है वो आकाश गंगा में भी क्या करता है, घूर्णन परिक्रमण करता है। सूर्य क्या करता है, आकाश गंगा में भी क्या करता है, परिक्रमण करता है। और आकाश गंगा में परिक्रमण करने में सूर्य को लगभग 20 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं भाई, 20 करोड़ वर्ष। पूरी आकाश गंगा में वह क्या करता है, अपना चक्कर लगाता है, तो उसको 20 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये सूर्य के प्रमुख डाटा है, ठीक है। एक बात कि हमने सुना है सौर कलंक, सौर कलंक, देखो सूर्य में एक प्रकार की गैस है जिसका स्त्राव होता है, उस गैस के स्त्राव के कारण सर्वाधिक ताप है वो कहां से निकलता है, फोटोस्फीयर से निकलता है। इस फोटोस्फीयर से सर्वाधिक ताप बाहर निकलता है, और ये जो ताप निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। सर्वाधिक ताप बाहर निकलेगा, और ये ताप कहाँ तक आता है, हमारी पृथ्वी तक भी आता है। जब हमारी पृथ्वी तक आता है ये ताप की अवधि बेटा सूर्य के ऊपर है धब्बे से पड़ जाएंगे, सूर्य पे क्या है, काले धब्बे, क्या पड़ जाएंगे, काले धब्बे, और काले धब्बे ना उस ताप के कारण बनते हैं, ठीक है। और उस ताप के दौरान जो सूर्य की जो सौर कलंक है, उन सौर कलंकों का जो तापमान है वो कितना है, इन धब्बों का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दौरान अब ये जो सौर कलंक की अवधि है बेटा, ये है 11 वर्ष की। कितनी है, 11 वर्ष की। 11 वर्षों में ये धब्बे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और फिर क्या होंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी के हम ताप वर्षों की गणना करें तो लगभग 10 वर्षों में एक वर्ष ऐसा होता है जिसमें ताप सर्वाधिक होता है। हम पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से तापजन्य वर्ष निकले, कौन से दशक में ताप ज्यादा निकला। वो ताप ज्यादा निकलेगा कब, जब सौर कलंक चरम पे होंगे तब ताप हमें ज्यादा मिलता है। फिर 11 वर्ष के बाद पुनः घट जाता है, अगले 11 वर्ष घटता है, फिर अगले 11 वर्ष क्या होता है, बढ़ता है। तो लगभग 2 दशक में एक वर्ष ऐसा होता है जो क्या है, ताप वाला होता है, और 2 दशक में एक दशक ऐसा होता है जो ताप वाला होता है, ठीक है। जैसे 1999 का दशक था वो सर्वाधिक ताप वाला था, फिर आपके ये 2011 से लेके 20 वाला ये सर्वाधिक ताप वाला था। ऐसे आपके सौर कलंकों का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पे। सौर कलंक है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि फोटोस्फीयर से एक भयंकर प्रकाश है वो प्रज्वलित होता है, तो हमारे नॉर्थ पोल पे हमें क्या देखें, एक अलग अजीब सी रोशनी दिखाई देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अरोरा लाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोरा लाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, अरोरा लाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोरा लाइट्स बोलते हैं, जो किसकी वजह से उत्पन्न होती है, सौर कलंक की वजह से उत्पन्न होती है। और उत्तरी गोलार्ध में इन अरोरा लाइट्स को क्या बोलते हैं, अरोरा बोरेलियस। क्या नाम देते हैं, अरोरा बोरेलियस। और दक्षिणी गोलार्ध में इसको नाम देते हैं अरोरा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ये ऑस्ट्रेलियस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। दक्षिणी गोलार्ध में क्या नाम देंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, और उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे अरोरा बोरेलियस, अरोरा बोरेलियस या अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। तो बताओ समझ में आई कि नहीं बात, फिर सौर कलंक दोबारा बता दो एक बार। सौर कलंक क्या होता है बेटा, देखो सूर्य है, इतना समझ में आया ना कि 13,92,000 किलोमीटर तो सूर्य का क्या है, व्यास है, ठीक है। 13,00,000 गुना ज्यादा क्या है, आयतन है पृथ्वी से। 3,32,000 गुना क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन है, और दूसरी गैस कौन सी है, आपकी हीलियम है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य जो है वो क्रोड, जिसे हम केंद्र बोलते हैं,
उसका तापमान सर्वाधिक होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और फोटोस्फीयर का सतह है इसका तापमान होता है कितना 6000 डिग्री, और सूर्य का जो बाहरी जो क्षेत्र है, इस बाहरी क्षेत्र का तापमान होता है वो आपके उसको बोलते हैं क्या, कोरोना। क्या बोलते हैं भाई? कोरोना कहते हैं। बाहरी सतह के तापमान क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। बताओ क्लियर है? अब सौर कलंक की बात करें तो सौर कलंक सूर्य के अंदर आने वाले काले धब्बे हैं जो एक गैस स्त्राव के कारण उत्पन्न होते हैं। किस कारण? एक गैस स्त्राव के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये है 11 वर्षों का समय है। ये क्या है? 11 वर्षों का समय है। कितना? 11 वर्षों का समय है, और 11 वर्षों में ये बढ़ते हैं, फिर 11 वर्षों में फिर क्या होते हैं? कम होते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो एक विशेष प्रकाश निकलता है फोटोस्फीयर से। कहाँ से निकलता है? फोटोस्फीयर से, और चारों तरफ फैल जाता है, और ये प्रकाश हमारी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में अरोरा लाइट्स बोलते हैं इस प्रकाश को, उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरलियस, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जानते हैं। एक अलग सी प्रकाश हमें दिखाई देता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में अलग से प्रकाश दिखाई देता है। बताओ समझ में आएगी बात? यस सर। पूछ लें काले धब्बे जो है उनका कितना है? सर अरोरा लाइट्स किसे कहते हैं? अरोरा लाइट्स होते हैं बेटा, एक प्रकाश दिखाई देगा, एक चमकदार प्रकाश, वो कहाँ दिखाई देगा? केवल आपको दक्षिण ध्रुव। अब आपके प्रश्न आएगा साहब यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और लगभग जो दिन होता है ना उसमें कम रोशनी होती है, इस कारण से ऐसा हमें यहीं पर स्पेशल ये दिखाई देता है अरोरा लाइट्स, और अरोरा बोरलियस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस। समझ में आ गया कि बेटा? सर इनके कहीं और दिखाई? क्या बेटा ये स्पेशली उन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? स्पेशली उन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। कौन से में? ध्रुवीय प्रदेशों में ही दिखाई देते हैं। क्लियर? अब हम जो हमारा सौर मंडल है, आज हमारे पास में 1 मिनट का समय है, सौर मंडल हम कंफर्म नहीं पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो नेक्स्ट मतलब मंडे को हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। और भी कोई प्रश्न आपको इसे पूछना हो तो आप प्रश्न ला सकते हो, ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू सर।